उन गुणों में सारी बातें हैं, न्याय करना, स्वतंत्रता देना, असमानता देना, बंधुत्व देना। धर्म तो कभी नहीं कहता लड़ाई हुई, लेकिन धर्म के नाम पे लड़ाई बहुत हुई। रूप से तो हमें वही चीज चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके बारे में आप बैरवाल साहब एक प्रशासनिक अधिकारी रहे और आपका जो प्रशासनिक करियर है बहुत ही सराहनीय, अच्छा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में? भाई धन्यवाद वर्मन साहब, आपने मेरे लिए दो शब्द अच्छे बोले। जहाँ तक भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की बात है, मैं ये कहूँगा हमारे पास दो अद्भुत शब्द हैं, एक तो ओम, एक ब्रह्म। अगर इनका हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें कहने को सोचने को जरूरत नहीं होती है। लेकिन जानते हैं कि संसार में सब लोगों को नहीं आत्मज्ञान होता, बहुत बिरले आदमियों को होता है। इसलिए सामान्य लोगों के लिए जो परम शक्ति है और जो सृष्टि पे बहुत अद्भुत कार्य जो लोग करते हैं, जिस काम को सामान्य लोग नहीं करता, उन लोगों को हम ये मानते हैं कि ये भाई परम शक्ति के अवतार हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु भी कहते हैं हम, भगवान श्री राम भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान बुद्ध को भी हम अवतार मानते हैं। तो अब ये आस्था का प्रश्न है। व्यक्ति के पास जब तक मृत्यु और भय है, और ये स्वाभाविक है, मेरे ख्याल से कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भय नहीं लगता। व्यक्ति का भय नहीं लगता हो, लेकिन मृत्यु का लगता हो, कोई मानसिक भय लगता हो, भय भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो उससे सारा जो भौतिक जगत है उसका उपचार नहीं है वहाँ पर, उसका उपचार होता है परम सत्ता, या जो जहाँ भी वो एक भरोसा करता है, जहाँ सारी भौतिक या देखने वाली चीज़ें खत्म हो जाती हैं उससे परे। तो ऐसी जो परम शक्ति है, हमारी सृष्टि कहूँ, ब्रह्मांड कहूँ, जिसका सब वो संचालन करती है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, और ऐसी कोई दिव्य पुरुष में जब वो आती है तो उसको हम अवतार कहते हैं। इसी श्रृंखला में हम भगवान श्री राम की कहें, बुद्ध की कहें, श्री कृष्ण की कहें, ऐसे लोग आए थे। उनकी जो पौराणिक हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें उनकी जो लीलाएं कहें या उनका उन्होंने काम किया, एक देवता और दानव का जैसा एक अपन मानते हैं कि भाई देवता अच्छे हैं जिसमें अच्छे गुण होते हैं, दानव होते हैं जिनमें अवगुण होते हैं, तो ऐसे उन्होंने काम की। एक बात, जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर की बात है, इसके संबंध में एक लंबे विवाद के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय दिया था, और उसी की क्रम में आगे जाके ये मंदिर बन रहा है। तो जो चीज़ का कोई निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया और जिसको दोनों पक्षों ने माना है, वो ठीक है। लेकिन इससे आगे मैं ये कहना चाहूँगा, ये हुई हमारी आस्था और विश्वास की बात, भीतर के जगत की बात, जिसको हम मन कह सकते हैं, उसकी बात करते हैं। लेकिन जगत के लिए, लोगों के लिए, हमारे लिए है कि हम उन दिव्य पुरुषों से या उन महामानव से या उस अवतारी पुरुष से जो अच्छे काम किए उन्होंने, उनमें जो सद्गुण सद्गुण थे, जो उनके चरित्र के गुण थे, और उन गुणों में सारी बातें हैं, न्याय करना, स्वतंत्रता देना, असमानता देना, बंधुत्व देना, है ना, क्षमाशील भी कह सकते हैं, और साहस के गुण भी कहते हैं, त्याग और तपस्या भी कह सकते हैं, या यूं कहें कि सब लोगों को साथ लेकर के भाईचारा और प्रेम की बात कह सकते हैं, और सब लोग सुखी रहें और अपने उसकी जो शक्ति है उसका वो सही प्रयोग करें। उन गुणों को जब तक हम अगर नहीं ग्रहण करते हैं, तब तक उसका कोई बहुत बड़ा मायने मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सारे लोग, जब हमारे देश में एक संविधान है तो सारे लोगों को बराबर माना गया है, तो उसमें सबको बराबरी का हक मिले, भले वो न्याय की बात कहें, समानता की बात कहें, संसाधनों को उपलब्धता की या विभाजन की बात कहें, इन चीज़ों को अगर इनके माध्यम से अगर ऐसे गुणों को हम धारण करते हैं, सत्ता की बात कहें या मजबूत लोगों की बात कहें, और वो लोग ऐसे गुणों को धारण करते हुए उन पे चलें, उन पद्धतियों पे चलें, ये ज़्यादा सार्थक बात है। बाकी कोई भी धर्म है, वैसे तो मानव धर्म भी एक माना जा सकता है, लेकिन संसार में ऐसी चीज़ें हैं नहीं, बहुत सारे धर्म और धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ भी होती हैं, जबकि धर्म तो कभी नहीं कहता लड़ाई हुई, लेकिन धर्म के नाम पे लड़ाई बहुत हुई। तो अब इसमें तो यही है कि उनके सद्गुण और अच्छाइयों के आधार पे हम चलना चाहें, और हमें चलना चाहिए, हमारा दायित्व भी है, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। धन्यवाद। प्राण प्रतिष्ठा में इस तरीके की जो सरकार द्वारा प्रायोजित जो चल रहा है कार्यक्रम, इतना बड़ा चढ़ा करके उसको प्रकाशित या प्रसारित किया जा रहा है,
इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके बारे में क्या माना है, इससे क्या मिलने वाला है? देखिए, मैं इस संबंध में ये कहूँगा कि हमारा जो संविधान है उसमें हमने एक राज्य जो माना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मैं एक सार्थक पॉजिटिव बात कहूँगा कि सभी धर्मों को बराबर माना, न कि धर्म को नहीं मानना। तो ठीक है, सभी धर्मों को समान संरक्षण हो, सभी को समान एक क्या करने चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए, है ना। और ये बात सही है कि वो तो एक क्षणिक चीज़ें हैं। हमें देखिए कि भगवान कहें या कोई आस्था की बात को जब याद आती है, जब हमारे दुख या पीड़ा होती है तब हम याद करते हैं। सामान्य रूप से तो हमें वही चीज़ चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैंने कहा ना कि इनके माध्यम से हम उन चीज़ों को करें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई उन चीज़ों को इग्नोर करके इग्नोर किया जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, नीति निर्देशक तत्व भी हैं, मूल कर्तव्य भी हैं कि धर्म पाखंड और कर्म कांड ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उनसे बचना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि इसी दिशा में भले कोई भी हो, राज्य सरकार हो, देश की सरकार हो, जो नेतृत्व है किसी भी पार्टी का, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, यही मैं कह सकता हूँ। थैंक यू आपको बहुत।